हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंडलाइन स्टॉक्स। एंड देखिए, आज बहुत अच्छी तारीख है, 10-10-20 मतलब 10 अक्टूबर 2020, और इकोनॉमिक रिकवरी ऑन इट्स वे है। जैसे कि कल एमपीसी के मीटिंग के बाद में आउटकम उसका आया है, हमारे गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास जी ने फिगर्स के आधार पर हमें ये चीज बताई है। अगर आप बैंक्स का डेटा देखें, जो अभी सेप्टेम्बर मंथ के अंदर उन्होंने सेप्टेम्बर मंथ के बाद में जो डेटा रिलीज किया है बिजनेस का, उसके हिसाब से भी आपको देखने को मिलेगा कि वाकई में इकोनॉमिक रिकवरी बहुत फास्ट पेस के साथ में यहां पर हमें आती हुई दिखाई दे रही है। एक बैंक है, देखिए हम लोग जब भी बैंकिंग के बारे में बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो हमारे सामने जहन में आता है सबसे पहले एचडीएफसी बैंक जो लीडर है, उसके बाद में आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक, और भी अगर ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो बहुत पसंदीदा शेयर होता है इंसेंट बैंक। लेकिन ये बैंक मैं देखिए आपको दिखा रहा हूं, उस कैटेगरी का बैंक नहीं है, स्मॉल कैप एक बैंक है। और हाल ही में अभी जो इन्होंने डेटा पेश किया है उसके अकॉर्डिंग एंड जो बेसिकली इनका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से यहां पर बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं नियर टर्म के अंदर इस स्टॉक प्राइस की रिकवरी में। अब देखिए, यहां पर बेसिकली एक्सेस सिक्योरिटीज ने भी इस स्टॉक को, इस बैंक के स्टॉक को बहुत बड़ा टारगेट दिया है आगे का, वो हमें देखना चाहिए। और इसके साथ ही बेसिकली बैंक क्या कहता है कि कैसा उनके साथ में बिजनेस हुआ है, कैसा उनके लिए बेसिकली पिछले 3 महीने गए हैं, वो सारा डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ देर के लिए मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको डेटा सारा दिखाता हूं सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि मैं किस बैंक के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर इसके चार्ट्स दिखा रहा हूं स्टार्टिंग में ही, एंड लेटर ऑन मैं आपको वो एनालिसिस दिखाऊंगा एक्सिस सिक्योरिटीज की जो इस बैंक के बारे में उन्होंने कही है। देखिए, ये है इस स्टॉक का चार्ट, इंट्राडे चार्ट। यहां पर मैंने कुछ देर के लिए नाम आपके सामने से हाइड कर दिया है। बैंक का ये स्टॉक है। यहां पर थोड़ा सा अगर आप देखें इसका मूवमेंट क्या रहा है, जून से अगर आप देखें तो इसने तेजी जो बनाई थी पिछले महीनों में जून से पहले, उसके बाद इसने एक रेंज बाउंड काम किया है। और देखिए, कुछ खास इसने यहां पर अट्रैक्शन पैदा नहीं करा इन्वेस्टर्स के लिए या फिर मैं कह दूं ट्रेडर्स के लिए। लेकिन उसके बाद में देखिए, यहां पर एक नीचे की तरफ इसने ब्रेक डाउन दिखाया और उसके बाद में फिर 25 सितंबर के बाद में इसने लगातार 13-14 दिन की बढ़त बना के रखी है। और ये स्टॉक अभी 52.85 रुपीज के ऊपर यहां पर क्लोजिंग इसने दी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल। तो हो सकता है प्राइस के हिसाब से आपको काफी अंदाजा लग गया हो कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। RSI अगर आप इसका देखें तो RSI 55 पॉइंट्स के ऊपर है, एंड अगर इसकी डायरेक्शन हम लोग देखते हैं तो ये बिल्कुल हाई मोमेंटम अभी भी शो कर रहा है कि इस स्टॉक में जो बढ़त बनाई है पिछले 13-14 दिन में वो कंटिन्यू रहने वाली है, आगे भी ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद MACD की बात करें, देखिए ऑलरेडी एक बुलिश क्रॉसओवर के ऊपर ये कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले काफी टाइम से, और अभी जो हिस्टोग्राम्स हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आप देखेंगे हिस्टोग्राम्स होते हैं, जब भी इनका साइज बढ़ता है यहां पर ये देखिए ये बुलिश सिग्नल और ज्यादा ब्रॉड अप होता चला जाता है एंड ये कंटिन्यू रहता है अपने बुलिश जोन के अंदर। तो MACD, RSI एंड यहां पर जो प्राइस एक्शन है, तीनों ही बुलिश सिग्नल शो कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। अब देखिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूं और दिखाता हूं सबसे पहले जो इन्होंने यहां पर डेटा पेश किया है NSC एंड BSE के साथ कम्युनिकेट किया है सितंबर तक के क्वार्टर का जो इन्होंने बिजनेस करके दिखाया है। तो देखिए, ये बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर डेटा, 4 अक्टूबर 2020 का ये डेटा रिलीज्ड है जो इन्होंने कम्युनिकेट किया था, और इसी डेटा के आधार पर एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा एक्सिस सिक्योरिटीज की, जहां से आपको टारगेट आता हुआ दिखाई देगा कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने क्या टारगेट दिया है और क्या कुछ एस्टिमेशंस लगाए गए हैं इस बैंक स्टॉक के बारे में। यहां पर अगर आप देखें, पहला कॉलम आप देख रहे हैं ये 2019 सितंबर का है, नेक्स्ट कॉलम जो है ये इन्होंने दिखाया है फोर्थ क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 2020 तक का, उसके बाद में ये पिछला क्वार्टर है जस्ट अभी 30/6/2020 का यानी कि 30 जून 2020 तक का ये डेटा है, उसके बाद में ये जो डेटा इनका देखिए आया है 30 सितंबर 2020 यानी कि ये नया डेटा है, लेकिन ये प्रोविजनल डेटा है, अभी इनके रिजल्ट्स Q2 के रिजल्ट्स यहां पर नहीं अनाउंस हुए हैं, लेकिन एक प्रोविजनल डेटा जो बैंक सामने प्रोड्यूस करते हैं वो ये डेटा यहां पर है। कासा रेशो की बात करेंगे 52,786 करोड़ का यहां पर कासा रेशो आपके सामने आता हुआ दिखाई देगा, सारा ही के सारे फिगर्स से करोड़ में दिए गए हैं, और देखिए 52,786 करोड़ का कासा रेशो। अगर आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम से, पिछले किसी भी टाइम फ्रेम से आप मैच करेंगे तो आपको यहां पर ये डेटा इंक्रीज ही होता हुआ दिखाई देगा।
अगर आप वाई ऑन वाई की बात करें यानी कि ईयर ऑन ईयर की, यानी कि इस डेटा को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल सितंबर के डेटा से, तो 20% का इंक्रीमेंट आपको कासा रेशो में दिखाई देगा, जो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। कासा रेशो जितना बड़ा होता है उतना ही बैंक्स के लिए अच्छा होता है। उसके बाद में कस्टमर डिपॉजिट्स की बात करेंगे यहां पर, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर 1,34,746 करोड़ का कस्टमर डिपॉजिट था, जबकि ये बढ़कर 1,52,025 करोड़ का ये डिपॉजिट हो गया है। इसके अंदर भी 13% की ग्रोथ देखी गई है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की हम लोग यहां पर नहीं बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे टोटल डिपॉजिट्स की। 1,39,547 करोड़ का इनका पिछले साल सितंबर में डिपॉजिट्स था, जो बढ़कर 1,56,747 करोड़ का यहां पर हो गया है इस क्वार्टर में। लगभग 12% की तेजी यहां पर दिखाई दी है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रॉस एडवांसेस की, यानी कि ये वो बेसिकली फिगर है जो बताती है कि कितना लोन बैंक ने प्रोवाइड कराया है, यानी कि जो लोन ये लोग प्रोवाइड कराते हैं उसी के ऊपर बिजनेस इनका डिपेंड करता है। और यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट होता है जानना कि क्या ग्रॉस एडवांसेस के अंदर कुछ इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,17,622 करोड़ का यहां पर ग्रॉस एडवांसेस था, जो कि अभी इस क्वार्टर के अंदर 1,25,202 करोड़ का यहां पर ग्रॉस एडवांसेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इसके अंदर भी अगर आप देखें 6% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर आपको इंक्रीमेंट दिखाई देगा, यानी कि कंपनी ने लोन बुक भी अपनी बढ़ाई है। अब देखिए कासा रेशियो की बात करूंगा, कासा रेशियो इन्होंने परसेंटेज में भी दिया है, तो कासा 31.55% था पिछले सितंबर 2019 में, और इस क्वार्टर के अंदर सितंबर में 33.68% का कासा रेशो यहां पर शो हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखिए एक पॉजिटिव नोट दिखाई दे रही है इस बैंक के अंदर, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में सारे के सारे फिगर्स इन्होंने किए हैं पेश। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस बैंक का नाम एंड एक्सेस सिक्योरिटीज की पूरी रिपोर्ट, क्या उन्होंने टारगेट दिया है एंड किस बेसिस पे उन्होंने वो टारगेट दिया है। तो ये देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूं एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट जो है 5 अक्टूबर 2020 की। टारगेट प्राइस दिया है इस बैंक को 66 रुपीज का, एंड बैंक का नाम अब आपके सामने आ गया है, ये है फेडरल बैंक। जी हाँ, फेडरल बैंक की मैं बात कर रहा हूं। अब इन्होंने देखिए सारी डिटेल्स यहां पर वही दी है जो मैंने अभी आपको डेटा दिखाया, मैं आपको वो एस्टिमेशंस दिखाना चाहता हूं जो बेसिकली जिसके बेसिस पर इन्होंने इसको टारगेट दिया है 66 रुपीज का। तो देखिए यहां पर फाइनेंशियल्स मैं कुछ शो कर रहा हूं। नेट इंटरेस्ट इनकम इन्होंने जो यहां पर बताई है फिस्कल ईयर 2019 में 4,176 करोड़ की थी, क्योंकि ये मिलियंस में दिए गए हैं फिगर, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। फिस्कल ईयर 20 में बढ़ जाती है 4,648 करोड़ के आसपास की यहां पर ये फिगर दिखाई दे रही है, और फिस्कल ईयर 21 एस्टिमेशन जो है वो है 4,998 करोड़ का। यहां पर ये बात ध्यान देने की है, देखिए ये वही फिस्कल ईयर रहेगा जिसमें कोरोना पैंडेमिक का असर हमें देखने को मिला, कोरोना पैंडेमिक हमारी लाइफ में आया और उसने पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिसरप्ट कर दिया। उसके बावजूद भी एस्टिमेशंस लगाया जा रहा है कि ये बैंक फिर भी पिछले साल के फिस्कल ईयर से इस साल बेटर करके दिखाएगा, क्योंकि स्टिल इनके पास में अभी 2 क्वार्टर बचते हैं कामकाज करने के एंड कंडीशंस बेटर होती जा रही हैं। फिस्कल ईयर 22 का एस्टीमेट भी इन्होंने निकाला है, देखिए 5,638 करोड़ का यहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम हो सकती है इनकी, ऐसा एक्सिस सिक्योरिटीज का एस्टिमेशन है फेडरल बैंक के लिए, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा एंड गुड प्रोजेक्शंस है, मैं ये कहूंगा यहां पर एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इस डेटा के अंदर मैं आपको पीपीओपी यहां पर दिखाना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीपीओपी मतलब प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो प्रोविजनिंग हर साल बैंक करता है और उसी प्रोविजनिंग की वजह से देखिए बैंक्स के प्रॉफिट में बहुत बड़ा डेंट आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको बैंक की असलियत देखनी हो कि बैंक कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो आपको पीपीओपी जरूर चेक करना चाहिए। तो पीपीओपी की बात करेंगे, FY19 में यहां पर 2,763 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद में अगर आप देखें 3,204 करोड़ का प्रॉफिट था फिस्कल ईयर 20 में, उसके बाद में 3,362 करोड़ का रहने का अनुमान है फिस्कल ईयर 21 में। तो यहां पर देखिए ये भी पिछले साल से ज्यादा ही एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। और अगर फिस्कल ईयर 22E की बात करेंगे यानी कि एस्टिमेशन ऑफ 22E, तो यहां पर 3,729 करोड़ का एस्टिमेशन लगाया जा रहा है प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का।
यहां पर ये चीज निकल के आ रही है। फिर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, यानी कि बैड लोन्स के अगेंस्ट जो प्रोविजनिंग कर सकते हैं फिस्कल ईयर 21E में, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए ये है 1594 करोड़ की यहां पर प्रोविजनिंग भी हो सकती है, जो पिछले साल से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि पिछले साल 1172 करोड़ की प्रोविजनिंग थी। लेकिन देखिए इस बार प्रोविजनिंग ज्यादा बढ़ाने का आपको सबको कारण पता है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से बैड लोन्स यानी के एनपीए होने की जो आशंका है वो ज्यादा है, लेकिन प्रोविजनिंग बढ़ा रहे हैं, कंटिजेंसी के अंदर जो अमाउंट दिया जाता है वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है FY20 के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे। तो ये इनका बेसिकली एक कारण है जिसकी वजह से इन्होंने यहां पर 66 रुपीज का एक बड़ा टारगेट आता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। जब पीपीओपी में से देखिए प्रोविजंस निकल जाएंगे, टैक्स निकल जाएगा, तो अपने हाथ में प्रॉफिट कितना बचेगा, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर फिस्कल ईयर 21 में ये इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो घट सकता है और 1344 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट रह जाएगा, जो कि पिछले साल 1542 करोड़ का था। और देखिए ये सारा का सारा जो डिसरप्शन हुआ है ये हुआ है हायर प्रोविजनिंग की वजह से, क्योंकि 1594 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है फिस्कल ईयर 21 के अंदर। तो इंपैक्ट कहां पे पड़ा, प्रोविजनिंग के नीचे। जब तक प्रोविजनिंग नहीं हुई थी तब तक यहां पर इंपैक्ट नहीं था, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के चलते बैंक्स को बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन रखने की वजह से अपनी प्रोविजनिंग्स बढ़ानी पड़ेंगी एंड इसका जो इंपैक्ट है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट पर आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद देखिए आगे लेके चलता हूं, अगर फिस्कल ईयर 22E की बात करेंगे तो 1520 करोड़ का प्रॉफिट रह सकता है फिस्कल ईयर 22 की, अगर हम बात करें एस्टिमेशंस की। ये सारा इनका प्रॉफिट एंड लॉस का एस्टिमेशन था। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट आपको डेटा यहां पर दिखाता हूं। यहां पर देखिए रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर ईपीएस सबसे पहले देखेंगे, अर्निंग पर शेयर तो 7.8 का था फिस्कल ईयर 20 में, जो रह जाएगा 6.7 का ही फिस्कल ईयर 21 एस्टिमेशन के हिसाब से, और वो बढ़ जाएगा 7.6 रुपीज हो जाएगा पर शेयर फिस्कल ईयर 22 एस्टिमेशन के हिसाब से। और ये इंपैक्ट वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्क्राइब किया है। अर्निंग ग्रोथ की हम लोग यहां बात करेंगे तो अर्निंग ग्रोथ 23.8% है फिस्कल ईयर 20 में, जो कि -13.5 चली जाएगी फिस्कल ईयर 21 एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, और वापस से 13.1 हो जाएगी फिस्कल ईयर 22 के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। यहां इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि देखिए ये वो पैरामीटर्स हैं जो यहां पर ये डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना चाहिए। मेरे हिसाब से सारा डेटा जो एनालिसिस मैं अभी कर रहा हूं यहां पर, ये स्टॉक दिवाली तक आपको बहुत अच्छे टारगेट्स दिखा सकता है। 66 रुपीज का टारगेट एक्सिस सिक्योरिटीज ने दिया है, मैं समझता हूं हो सकता है ये स्टॉक 70 रुपीज तक के टारगेट भी अचीव करता हुआ आपको नजर आ जाए। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसके अंदर बिल्कुल पॉजिटिव हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको हर क्वार्टर के बाद में रिव्यू करना बहुत जरूरी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए डेटा यहां पर सारा दिया हुआ है, आप चाहें तो बिल्कुल ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड की जा रही हैं यहां पर ऑनलाइन, काफी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज मिलती हुई दिखाई देगी। तो अभी भी देखिए ये स्टॉक का कंपैरिजन इन्होंने करके दिखाया सेंसेक्स से, ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं देखिए ये है सेंसेक्स की एंड ये ब्लू लाइन है फेडरल बैंक की, और फेडरल बैंक अभी भी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर ग्रोथ के चांसेस अभी भी काफी अच्छे निकल के नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए इस वीडियो को एंड करने से पहले यहां पे आपको कल का डेटा दिखाता हूं फेडरल बैंक लिमिटेड के अंदर कैसा कामकाज हुआ है। लगभग 1.25% की तेजी के साथ इस स्टॉक ने कामकाज करके दिखाया है, 97 रुपीज का इसका 52 वीक हाई है 24 जनवरी 2020 का, और 35 रुपए 70 पैसे का देखिए इसका 52 वीक लो है 25 मार्च 2020 का। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन देखेंगे 2.93 करोड़, लगभग 3 करोड़ शेयरों में यहां पर क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 57 लाख से ज्यादा शेयरों के अंदर डिलीवरी उठाई गई है एंड अप्रोक्सीमेटली 20% यहां परसेंटेज ऑफ डिलीवरी दिखाई दे रही है। तो ये है इसका बेसिकली कल का डेटा, और इस सारे डेटा के हिसाब से आप डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में पोजीशंस ले सकते हैं, काफी अच्छे टारगेट्स आपको नियर टर्म में आते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये वीडियो था देखिए पूरा फेडरल बैंक के ऊपर, जहां पर आई है एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से, जो मैंने आपको दिखाई है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन को आप कैसे देखते हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर करें। मैं भी लोग आपसे कहीं वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।